रमेश लाल यादव निरहुआ जी, माननीय सदस्य का ये पहला संबोधन है संसद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज पहली बार सदन में बोल रहा हूँ, तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप सब लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, कहा जाता है कि भाषा हमारे अस्तित्व का मूल है। हम अपनी भाषा में बेहतर तरीके से सोच समझ और अभिव्यक्त कर पाते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी मातृभाषा के प्रति कृतज्ञ होने की बात कही है। इसी भावना के साथ पिछले 5 दशक से करोड़ों भोजपुरी भाषी एक आस लगाए बैठे हैं कि भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिले, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन भोजपुरी का इंतजार खत्म नहीं हुआ। कभी तो भाषा के भेद का पाठ पढ़ाकर, तो कभी नियमों की अस्पष्टता का हवाला देकर भोजपुरी भाषियों की मांग पूरी नहीं होने दी गई। अध्यक्ष जी, भारत से अलग मॉरिशस की पहल पर यूनेस्को ने भोजपुरी संस्कृति के गीत गौनई को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया, लेकिन पहले के केंद्र की सरकारों ने कभी कोई ठोस प्रयास नहीं किया। मोदी जी की सरकार ने सकारात्मक पहल करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भोजपुरी फिल्म समारोह का आयोजन किया, जिसके लिए मोदी सरकार जी का करोड़ों भोजपुरी भाषी हृदय से धन्यवाद करते हैं। सभी जानते हैं कि भोजपुरी भाषा की यह लड़ाई 1967 से जारी है। 1960 में पहली बार इसके लिए बिल लाया गया। तब से अब तक संसद में इसे लेकर 18 प्राइवेट मेंबर बिल भी आ चुके हैं। कई आंदोलन भी हुए। 16 देशों में बोली जाने वाली भाषा, जिसकी जड़ें लगभग 1000 साल पुरानी है, जिसको भारत से बाहर कई देश स्वीकार कर चुके हैं, जिसको यूनेस्को सम्मान दे रहा है, क्या इस भाषा को अपने देश में संवैधानिक दर्जा का हक नहीं है? अध्यक्ष जी,